हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ इंग्लिश बुक डिवाइड से लेसन नाइन जो है वो आप पढ़ेंगे। इसका नाम है द बॉन्ड ऑफ लव। आंसर इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन है आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। हु सेज दिस, किसने कहा ये? हु डू हिम एंड हर टू, कौन हिम कौन है और हर कौन? व्हाट इज द इंसिडेंट रिफर टू हर हियर? आंसर है फर्स्ट का है हु सेज दिस का, द ऑथर सेज, यानी ये लेखक ने कहा। सेकेंड, हिम रिफर्स टू द बेबी बियर और हेयर रिफर्स टू द ऑथर वाइफ। सेकेंड, थर्ड, द इंसिडेंट रिफर्स टू द कैचिंग ऑफ द बेबी बियर, जो रीच का बच्चा होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर टू, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, हु डज ही रिफर्स टू, ये किसके लिए, ही किसके लिए बोला गया है? ही रिफर्स टू द बेबी बियर के लिए। फिर है वाई डज ही डिलाइटेड, ही वॉज डिलाइटेड टू सी ऑथर्स वाइफ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर थ्री, वी ऑल मिस हिम ग्रेजुअली बट इन अ सेंस वी वेयर रिलीव, हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर, किसके लिए कहा गया है वी ऑल? तो आंसर इसका बी ऑल स्टैंड फॉर ऑथर, यानी लेखक, उसकी पत्नी और उसके बेटे के लिए। और हु डिड दे मिस द बेबी बियर, व्हाई डिड दे नेवर, आंसर दे फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट टू कीप द बेबी बियर एट होम। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन टू ऑकेशंस ब्रूनो एट ड्रिंक समथिंग दैट शुड नॉट बी ईटन, व्हाट हैपेंड टू हिम टू दिस ऑकेशंस? आंसर, ऑन दिस टू ऑकेशंस ब्रूनो गॉट ऑल राइट एट फर्स्ट एज बेरियम कार्बोनेट, इसने पहली बार बेरियम कार्बोनेट लिया। इन फर्स्ट केस ही वॉज टेकन टू वेट्स रेसिडेंस, द वेट इंजेक्टेड द मेडिसिन एंड ही गॉट वेल। इन द सेकेंड ही had drunk engine oil, उसने फिर engine oil लिया, however it had not effect to him, so कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ा। Bruno was Bruno a living playful pet, मतलब Bruno जो एक डॉगी का नाम है। Why then did he to be sent away? Answer, yes, Bruno was a playful pet, he did a few tricks, he would race rustle a box and a tumble, he would hold gun in the form of a stick and point at a person, however it was becoming difficult to keep him home, therefore he had to be sent away. आज लेसन जो है आपने पढ़ा, तो ना तो सही स्पेलिंग चेक करके आप क्वेश्चन आंसर लिखिएगा अपनी नोटबुक में, याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।